तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मेरे देखो ये है ना, ये कछुआ बहुत दिनों से मेरे पति कह रहे थे कि साफ़ कर, ये बहुत अच्छा साफ होएगा, पर मैं कहना नहीं मान रही थी। लेकिन आज मैं साफ करूँगी कछुआ। मुँह से निकल रहा नहीं था ये, और देखो ऐसा हो रखा था कछुआ। तो वीडियो बनाने की नहीं सोच रही थी, मैंने कहा छोड़ना, क्या बनाऊँ जरा जरा सी वीडियो। पर भाई ये कछुआ बहुत बेकार हो रखा था, तो अब मैंने इसको बहुत देर से लग रखी थी इसमें। एक औरत अपने घर के लिए क्या क्या करती है। कहा था कि ये कछुआ लाते हैं तो घर में पैसों की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छा होता है ये घर में कछुआ लाना। तो गाइस देखिए कछुआ, मेरे पति कह रहे थे मैं इसको साफ कर दूंगा, बहुत अच्छा। पानी जम गया शायद, मैं इसको साफ कर दूँ। अभी मैंने सन को भी साफ करा था, बहुत साफ हो गया था सन, बहुत काला हो गया था। जैसे कांच के बर्तन बहुत जल्दी जल्दी फूटते हैं, इस वजह से मैं कांच के बर्तन लाती नहीं हूँ, क्योंकि अपने मायके में ना सारे कांच के बर्तन मैं ही फूटती थी, एक भी साबुत नहीं बचता था। भाई कछुए वछुए की टांग वांग ना टूट जाए, इसलिए मैं खंडित हो जाएगा मेरा कछुआ, ज़्यादा नहीं करती मैं इसको साफ। तो गाइस देखिए कितना अच्छा हो गया, सारा पानी जम गया था। अब इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी यार मैं। इसको भी अपना कछुआ है ना, तो स्टील वाला कछुआ अगर साफ कराना है तो मेरे पास आइए। अगर फूट जाएगा तो भाई आपको नया लेके दूंगी मैं। देखिए गाइस कितना प्यारा हो गया कछुआ, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। अब इसको और साफ धोऊंगी पानी में। मैं कुछ काम धंधा नहीं करती, बहुत कम काम करती हूँ, और अब पानी आ रहा है ना। हो गया अच्छी तरीके से, देखिए हमारा कच।
Gracias.